ये है दूसरा हॉस्टल। क्या कहना चाहते हो इस हॉस्टल में और क्या क्या फैसिलिटी? यहाँ पे सर फैसिलिटी ये है कि एक रूम के साथ बात। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पार्सल लाने के लिए, तो चलते हैं बाहर गेट। हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज यूरी बॉय। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस जस्ट मैं अभी उठा हूँ 5 मिनट पहले, तो अभी मुँह वगैरह कुछ नहीं धोया। यकीन नहीं आ रहा आप? अब आया यकीन, पहले फिल्टर था। तो एक्चुअली पार्सल वाले ने फ़ोन किया कि आपका पार्सल आ चुका है, तो डिलीवरी बॉय के पास अभी चलते हैं दौड़ के, तो फिर वापस आके नहाते धोते हैं। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ पार्सल लाने के लिए, तो चलते हैं बाहर गेट पे और वहाँ से लेते हैं अपना पार्सल। गाइस घर में बहुत ही तेज है, वो बता नहीं सकते, और हम फाइनली पहुँच चुके हैं मेन गेट पे। सो गाइस जैसे कि पार्सल तो आपने ले लिया, तो आप चलते हैं अंदर। वो गाइस मैं आते वक्त दूसरे रास्ते से आया था और अब दूसरे रास्ते से आया, और यहाँ ये क्या पोपट हो गया, पूरा पूरा दरख्त गिर गया रास्ते में। ये देख सकते हैं यहाँ दरख्त गिर चुका है। और गाइस यहाँ चल रहा है स्वच्छ भारत मिशन। गाइस आपको एक चीज़ बता दूँ, देखो हर तरफ हरियाली हरियाली है, लेकिन ग्राउंड के उस कोने पर देखो एक दरख्त जो है उसके पत्ते बिल्कुल ऑरेंज कलर के लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। सो अभी मैं अंदर पहुंच चुका हूं, पहले नहा लेते हैं फिर आपको मिलते हैं। ये भी हो गई फुल, अब करते हैं इससे अटैक। ओहो गाइस देख सकते हैं गंद यहां पड़ गया, अमेज़ोन के पार्सल में इतना गंद भेजते हैं वो। और आप सोच रहे होंगे पता नहीं पार्सल में क्या मंगवाया था, और जो मैंने मंगवाया था वो थे ये शूज़, सारे नहीं बल्कि पहले भी थे कुछ, और जिसमें ये देख सकते हैं ये वाला शूज़ नया और ये वाला, और इतने शूज़ हो गए हैं कि मुझे संभाले नहीं जा रहे। अगर किसी को चाहिए तो ऐसे करके मांग सकते हो आप। सो गाइस अभी मैं नहा चुका हूँ, तो अभी बाल वगैरह सेट करके करते हैं वीडियो का इंट्रो स्टार्ट। ईद आने वाली है, तो इधर हॉस्टल में आपको छुट्टियाँ पड़ी, क्या कहना चाहते हैं सर? हम ये कहना चाहते हैं कि सो गाइस अब हम आपको हॉस्टल के बारे में बताते हैं क्या क्या फैसिलिटी है और किस तरह से सिस्टम है हॉस्टल में। और ये सामने आ गई जिम ऊपर, और नीचे आ गई मेस, और ये हॉस्टल के बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है। और हर रूम में डेली सफाई भी होती है, देख सकते हैं आप। सो गाइस और फैसिलिटी जानेंगे हम अपने अमरजीत भाई से, क्या कहना चाहते हो इस हॉस्टल में और क्या क्या फैसिलिटी है? यहाँ पे सर फैसिलिटी ये है कि एक रूम के साथ बाथरूम अटैच है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नेक्स्ट आ जाती है कि एक वाईफाई फैसिलिटी है अवेलेबल है। हाँ तो ये दो मेन चीज़ें हैं कि इस हॉस्टल के ऑफर करता है, मतलब जब आपको एडमिशन के लिए बोलते हैं आप घर से, और जिम है एक साथ में बढ़िया सा, तो बस यही है खासियत है इस हॉस्टल की। इधर अंदर है जिम, अभी लॉक लगा हुआ है, और अभी हम आ चुके हैं, ये एक रूम स्पेशल है जहाँ जहाँ नमाज वगैरह पढ़ी जाती है, स्पेशल रूम है नमाज के लिए। सो गाइस अभी नमाज वगैरह पढ़ ली है, अब आपको बताते हैं दोनों हॉस्टल्स। मेरे रूम में आप देख सकते हैं ये है चेयर पड़ी हुई, यहाँ टेबल है, गिलास पड़ा हुआ, बॉटल, और वहाँ भी नमाज जहाँ नमाज है नमाज पढ़ने के लिए, बाकी हेयर ड्रायर वगैरह टोपी बैग। तो इस साइड देखें अगर यहाँ एक स्पीकर पड़ा हुआ है, तो ये इसको साइड करेंगे, यहाँ से नीचे करेंगे, और ये आ गया कूलर,
जिसको भी हम लगाते हैं। हाँ हाँ, बहुत ही ठंडी हवा आ रही है। चलो साथ साथ अब आपको अलमीरा बता देते हैं। ये वगैरह वहाँ तो बुक्स वगैरह हैं, यहाँ ये चार अलमीरा हैं, तो यहाँ भी आ गई एक और यहाँ भी आ गई। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ी अलमीरा है, देख सकते हैं। और ये आ गया दूसरा हॉस्टल। हॉस्टल के दो पार्ट हैं। ये है दूसरा हॉस्टल। ये मैं अपने हॉस्टल से बना रहा हूँ दूसरे हॉस्टल की वीडियो। तो कुछ इस तरह से हमारा हॉस्टल और ये सेकंड वाला। यहाँ कुछ बिहार के ज़्यादा स्टूडेंट हैं और यहाँ J&K के ज़्यादा स्टूडेंट हैं। ये आ गया हमारा हॉस्टल जहाँ हम रहते हैं, और ये दूसरा आ गया। दोनों हॉस्टल की दो दो बिल्डिंग। तो गाइज़ ये हॉस्टल जो है ये अभी रिपेयर हो रहा है, देख सकते हैं आप। इसके अंदर भी तगड़ा सिस्टम है, लेकिन थोड़ी जो है अलमीरा वगैरह वो थोड़ी छोटी है जो हमारे हॉस्टल से। तो ये इधर आएगा वाशरूम अटैच। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पता लग गया होगा हॉस्टल की फैसिलिटी और हॉस्टल में क्या क्या सिस्टम है। अगर आपको फिर भी कुछ मालूम नहीं हो रहा कॉलेज के बारे में, तो एक अलग से आपके लिए वीडियो बनेगी, आप सिर्फ कमेंट करिए।